बदमाशों के बीच मुठभेड़। गुलवा उर्फ शरीफ नाम के बदमाश के लगी पैर में गोली। 25,000 का इनामी बदमाश था गुलवा उर्फ शरीफ। करीब आधा दर्जन लूट की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। इनामी बदमाश पर एक तमंचा, 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद। CO गोपाल व इंस्पेक्टर अरविंद कुमार अपनी टीम के साथ कर रहे थे चेकिंग। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली सिकरी के पास बम्बे का मामला। क्या नाम है? गुलवा शरीफ। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? लूट करने के लिए जा रहे थे सर। अच्छा, और लोग कहाँ थे आपके साथ? और लूट आगे मिलते सब, लूट करने के समझा, पीछे पुलिस लग गई। हाँ। पुलिस वालों ने गोली मार दी, सब गिर गई। तुमने भी फायर किया पुलिस? हमने भी पुलिस पे फायर किया था। जब पुलिस ने गोली चलाई? जब पुलिस ने गोली चलाई। पहले भी लूट कर चुके हो? पहले भी लूट कर चुके हो। सर, एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है, कौन है बदमाश, कितने राउंड फायरिंग हुई है? आज इंस्पेक्टर खुर्जा नगर और उनकी टीम जो है ढाकर रोड पर चेकिंग कर रही थी। सीकरी बम्बा की पटरी की तरफ से एक बाइक सवार आ रहा था, जिसको रुकने का इशारा किया, जिसने पुलिस पर फायरिंग की, एक राउंड फायरिंग की और बाइक को मोड़ के पीछे से भागा। और आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की, जो एक गोली उसके पैर में लगी और घायल होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक 315 बोर तमंचा और 4 कारतूस जिंदा बरामद किए हैं। पूर्व में ये लूट के 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसका नाम गुलवा उर्फ शरीफ, फादर नेम हजारी प्रसाद, रोहिंदा का रहने वाला है। कितने का इनामी है सर? 25,000 का ये इनामी है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।